We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them. बौद्ध नगरी मैक्लोडगंज में भारत तिब्बत सहयोग मंच के रजत जयंती समारोह में पहली बार 51 किलो और 21 फुट लंबी फूलों की माला पहनाकर धर्मगुरु दलाई लामा का स्वागत किया गया। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा की दीर्घायु के लिए बुधवार को मैक्लोडगंज स्थित चुगलाखंग बौद्ध मठ में भारत तिब्बत सहयोग मंच का स्थापना तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान फिल्म अभिनेता और महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोई भी पुरुष, कोई भी पिता, कोई भी परिवार और कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ा नहीं है, राष्ट्र सर्वपरि देश है तो हम हैं। गजेंद्र चौहान ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा पर बधाई भी दी। कोई भी बुक, कोई भी किताब, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। राष्ट्र सर्वोपरि, ये देश है तो हम है, देश का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, इसके हमारा जो कुछ भी है वो समर्पित है इस देश को। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत 5000 वर्ष पहले लड़ी थी द्वापर युग में, और विजय इसमें हुई थी क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। उसको धारावाहिक के रूप में पीयर चोपड़ा साहब ने 1988 में कलाकारों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है, और इस देश के लोगों ने उसको भरपूर प्यार दिया है। बल्कि मैं बताऊं, वो पहले बात यह है, बात में कुछ है, सुनो कुछ बात है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे भाई साहब के जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, जो सोच लेके चल रहे हैं, आप भारत के बल सहयोग मंच से जुड़िए, अपना योगदान दीजिए, और जो मिशन को भाई साहब लेके चल रहे हैं उस मिशन को और आगे बढ़ाइए। क्या आप लोग महाभारत का और डायलॉग सुनना चाहेंगे? जी सुनना चाहेंगे, इधर से आवाज सुन हमारी सुनना चाहेंगे। कौन बैठा है इधर? एक सवाल और मैं आपको सुनाता हूं, अगर आपने महाभारत देखी है, ये उस समय का है जब द्रौपदी ने वनवास पे जाने से मना कर दिया था और धर्मराज युधिष्ठिर के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि हम क्यों जाए। श्री राम की जाते थे पंचाली, तुमने सोने का नहीं होता, फिर भी उसके आखिर को चले गए, तो क्या वो केवल लोग था? जो होने वाला होता है पांचाली वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। प्रस्थान किए हमारे महान बाबुल परम आदरणीय परम पूज्य दलाई लामा जी, हमारे बड़े भाई साहब माननीय योगेश कुमार जी जो यहाँ सांस ग्रहण किए हुए हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है, आज आप सब को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं बधाई। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोगों ने महाभारत देखी है? हमने देखी है जी, हमने देखी है। कितने लोगों ने देखी है? युधिष्ठिर जी को देखा है। और कितने लोगों ने की है? हमने की भी है। महाभारत किस किस ने की है? लगता है रोजाना घर में महाभारत करते हैं आप।
नीचे आवाज कम आ रही है, कोई भारत ने जयंती वर्ष में आगे है आदरणीय माननीय विदेश विभाग जी ने 24 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था आज वो बड़ा करके वृक्ष बन गया है और उस वृक्ष के फल खाने का समय भी आ गया है। दोस्तों तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है, वहां के भाई बहन हमारे अपने भाई बहन हैं। उस पर जो अवैध कब्जा किए हुए बैठे हैं चकोरी यूपी की उस कब्जे से उसको आजाद कराना है और ये उद्देश्य लेकर हमारे भाई साहब चले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले हैं और ये सपना पूरा करने का समय आ गया है। दोस्तों महाभारत में एक सम्मान है एक नाइन का, लेकिन वो हमारी अपनी जो राष्ट्र के प्रति भावना है, राष्ट्र के प्रति सद्भावना है, भारत के प्रति जो हमारा प्रेम है, दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मैक्लोडगंज से सुनील समियाल की रिपोर्ट।